प्याज को मोटी मोटी स्लाइस में कट कर ले और इसे पहले कर ले हल्का सा फ्राई। साथ ही इसमें ऐड कर देने का कैप्सिकम। अब टमाटर, मिर्ची और प्याज को बना लेंगे चटनी बनाने का इसका। जब कैप्सिकम और प्याज हल्के से फ्राई हो जाए इसे हमें अलग से निकाल लेना है। ऐड कर देंगे हम सूखे मसालों में लाल मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और इन्हें पकने का थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमें इसमें ऐड कर देना है टमाटर और प्याज वाली जो हमने पेस्ट बनाया है ये, और इसे हमें अच्छा से करना है पहले फ्राई। मसाले हो जाए थोड़े से फ्राई, इसमें ऐड कर देंगे जो हम सूखे मसाले घर में रेगुलर यूज करते हैं, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और इसे पहले हम मसाले के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। जब मसाला हो जाएंगे फ्राई, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे मसाले फ्राई हो जाते हैं तो ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा खट्टा दही, और दही डाल करके इसे कंटिन्यूस हमें मिक्स करते रहना, नहीं तो दही जो है वो कट जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी ग्रेवी के साथ हमारा दही मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये है छेना। दूध जो फट जाता है उसको या तो हम फेंक देते हैं या कुछ आटा वगैरह लगा लेते हैं, तो मैंने इसकी सब्जी बनाई है तो पनीर की जगह मैंने इसमें डाला है ये छेना। पहले छेने को मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में ही इसे हम पहले पकने देंगे। सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे मसाले अच्छे से हो गए फ्राई, छेना भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम एंड प्याज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी सब्जी अच्छे से बन के हो गई है तैयार। अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये हमारी छेने वाली सब्जी बन के हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।